छोड़ो तो है पाटिल साहब, मेरी हाई लगेगी है। मर मरा क्यों नहीं जाते तुम? यार तुम हर समय एकदम सटीक टाइम पे खड़े पे वार करते हो। वन सेकंड। हाँ कहाँ होना चाहिए मुझे? एक तो ये एक्सीडेंट करना बंद कर दो, तुम नहीं चलाता ना वर्ल्ड कप में। कहाँ? अरे यार वहाँ पे एनुअल फंक्शन पे हमारा क्या काम है? अभी भी स्कूल में आना पड़ेगा? हाँ तो हमारी तरफ से दे देना श्रद्धांजलि। आओ सुनाओ मैं तुम्हें श्री राम की कहानी। हम सबके अंदर रहता है जो उस भगवान की कहानी। राजा दशरथ के बेटे श्री राम की कहानी। माँ कौशल्या के लाडले श्री राम की कहानी। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के भाई श्री राम की कहानी। सीता के पति परमेश्वर श्री राम की कहानी। सौतेली माँ कैकेयी ने जब पुत्र प्रेम में कपट किया, राम ने अपने वचन की खातिर 14 बरस का वनवास लिया। चल दिए वो सीता लक्ष्मण के संग, राजपाट सब त्याग दिया। रावण की बहन थी सूर्पनखा, जिसको था श्री राम पर प्यार। काट दी नाक जिसकी लक्ष्मण ने, देखकर उसका दुर्व्यवहार। लंका का राजा था रावण, उसको थी सीता जी की चाह। उसने खेला खेल भयानक, चला वो धोखेबाजी की राह। रावण ने सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले आया। श्री राम धनुर्धर थे बलशाली, युद्ध की राह पर उन्हें चलाया। लंका थी सोने की नगरी, राम तो ठहरे बस वनवासी। मन में थी बस न्याय लालसा और संग में वानर सेना जरा सी। फिर भी ना घबराए राम, रावण के संग किया संग्राम। मार गिराए उस राक्षस को, दिया कुकर्मों का अंजाम। आओ सुनाऊं मैं तुम्हें श्री राम की कहानी। हम सब के अंदर रहता है जो उस भगवान की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रावण को हराना नामुमकिन नहीं है, बस खुद के अंदर राम जगाने की देर है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री गोवर्धन मलिक जी को कि वो स्टेज पर आए और हमारे बच्चों को प्रोत्साहन दें। गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चों, बहुत खूब। एक स्कूल के लिए अपना वार्षिक उत्सव दशहरे पर मनाना ये एक बहुत ही अच्छी सोच है। मेरे बेटे ने अपनी पढ़ाई यहीं से की है, जिसके चलते आज वो एक सफल और सभ्य नागरिक है। अरे पादर साहब कितनी देर चलेगा? Grade 10C.
अरे तू जानता है इसे? पड़ोसन है मेरे। मेरा पापा को भी बताओ है कैसे मिलेगी छोटी वाली पिंक एसिड की, कब ना अलग हो जाए क्यों? लॉक करो। एक सेल्फी मॉम या बस 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 नौ बजे और सीट बेल्ट पहनो चलो। अरे मामा अभी गाड़ी चल कहाँ रही है? इट्स ओके ना? हेलो हेलो रितु, थैंक गॉड यू पिक्ड अप। क्या हुआ, तेरे पति देव ने फोन नहीं उठाया? एग्जीबिशन सर पे है। नो आई हैव सो मच वर्क टू डू माय गॉड एंड आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट वी। मैं दो स्लीपिंग पिल्स खा रही हूँ फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। एंड टेल मी समथिंग, मेरे घर का रेनोवेशन पूरा हो गया तो कब देखने आएगी? यार आ जाऊंगी जल्द, बट राइट नाउ आई एम स्टक इन द मदर ऑफ ऑल ट्रैफिक जैम्स। एंड टिया भी मेरे साथ है अभी इस वक्त। आज एनुअल फंक्शन था ना, एंड हर हाइनेस हैज वन द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड अगेन। वाओ, बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड। वो तो है ही रॉकस्टार। एक मिनट, तुझे स्पीकर पे डालती हूँ, रुक जा। हे रॉकस्टार, हाउ आर यू? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू आंटी। आंटी किसको कहा? एक्चुअली मॉम भी है यहाँ पे अभी तो। आई टेल यू, यू आर बोरिंग मामा। बता इंदर इसी गाड़ी में ना एसी? हां चुप। रितु तुझे कोई और अल्टरनेट रास्ता मालूम है घर तक? तो जीपीएस ऑन करना। बेटा जीपीएस दो। अरे मॉम आप अपने फोन पे कर लीजिए। बेटा हाँ, तो इसमें है ना, मेरा फोन आपके हाथ में है। मॉम प्लीज कर लो ना। हाँ तो इसमें है ना, मॉम ने मेरी बहुत हेल्प की है। सीरियसली? और आप मेरी फ्रेंड्स को जानती है ना, मीनल और सोनम, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने भी ना बहुत मेहनत की है। ये रामलीला मैदान का लेफ्ट क्यों निकलता है? जीपीएस ऑन कर। यार जीपीएस तो ऑन है लेकिन इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। एकम मे बी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा नया। एनीवे तू घबराती क्यों है? मैंने तुझे पेन नाइफ गिफ्ट किया ना सिक्योरिटी के लिए। बहुत काम आ रहा है तेरा इस समय पेन नाइफ। अरे मॉम हमें चलते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकल। तेरी बेटी तुझसे ज्यादा समझदार है। डेफिनेटली टिया, वी हैव टू सेलिब्रेट। ओके ऑफ कोर्स। शराब ला भाई ला। करेंगे क्या, तक देना दिन आदमी।
बहुत ताकत है कौन सी चमची पंजाब लग रही है वाली है अबे अबे मार छोड़ दे यार अबे यार सही है अबूर वाले Thank you.
हाँ बोलो। विद्या और टिया कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ ही होंगे ना? नहीं मेरे साथ नहीं है, वो मुझसे फोन पे बात कर रही थी, अचानक जोर से आवाज हुई एंड देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल हर। वो आ जाएंगे, डोंट वरी। आ जाएगी क्या? मेरे को अलग से बोलोगे सर? पीछे चल चल पाछे हट हट पीछे पीछे सर पीछे पीछे आप कौन पीछे आओ सर पीछे 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 पट्टी के पीछे रहोगे सब लोग, अंदर को नहीं। तुम लोग एक घंटा पहले फोन किया था, अभी आ रहे तुम लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अखिल जी सर, गुड टू सी यू। ट्रेनिंग के बाद आज मिल रहे हो? जी सर। वेरी गुड, कैसे हो, कहाँ? एकदम ठीक ठाक सर, आप ही के थाने में पोस्टिंग हुई है, पूरे दिन आपका वेट किया, सोचा मुलाकात हो जाएगी तो पता चला आप कहीं रेड मारने गए। गए तो मारने थे मरो, आगे वापस आ गए। क्या हुआ यहाँ? दो डेड बॉडीज हैं सर, ये बच्ची है और उधर एक औरत भी है। ये यहाँ पे पीछे चक पीछे चक। दोनों की हालत बहुत ख़राब है सर। देखा थोड़ी दूर पे एक गाड़ी भी बरामद हुई है सर, आई थिंक इनके लगता है। क्या केस लग रहा है? रेप लग रहा है सर। क्या होगा इस देश का? पीछे चल चल। हमारे साहब इंडिया को शेप करने की बात कर रहे हैं और लोग अब रेप किए जा रहे हैं। लो कोई विटनेस है क्या? विटनेस तो कोई नहीं है सर, इनमें से किसी ने फोन किया था। बॉडीज को भेजने का इंतजाम करो। अरे साहब हाँ, औरत तो जिंदा है। क्या औरत जिंदा है? मैं रवि चौहान, विद्या चौहान मेरी वाइफ है, मुझे कॉल आया था। हाँ मैंने कॉल किया था। वेट क्या? पर क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ एक सर। जी एक्सीडेंट। कल तक आ जाएगी रिपोर्ट? हाँ कल तक तो आ ही जाएगी। विद्या का हस्बैंड है। मैं रवि चौहान, मुझे कॉल आया था मेरी वाइफ विद्या। क्या क्या हुआ, क्या है उन्हें? क्या हुआ उसे? आप डॉक्टर से मिल लीजिए। हाँ पर हुआ क्या है उसे? कुछ सीरियस मामला है क्या? प्लीज टेल अस व्हाट हैज हैपेंड टू हर। I'm sorry about your daughter. हम उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आपकी वाइफ की हालत काफी खराब है। There are deep bruises, bleeding, tear, and infection of the private parts. She will need a lot of support from you. क्या नाम बताया था आपने? रवि, रवि चौहान। कल रात कहाँ थे आप? जी वो देर रात तक काम कर रहा था। Excuse me, एक सेकंड। आपकी वाइफ हाउसवाइफ है या वर्किंग? जी वो एक टीचर है जीटी मेमोरियल स्कूल में। कल रात को अपनी बेटी के साथ कहीं गई थी, आपको जानकारी है कोई? जी उनके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन था जी, वहीं पर गई थी। ऐसे अक्सर जाती थी वो घर से बाहर? मतलब? नहीं मतलब घर से बाहर। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिस वक्त वो मुझसे फोन पर बात कर रही थी तब भी हादसा हुआ। आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे आप? हाँ, हैं कौन? मैं उसकी फ्रेंड हूँ। तो रिलेटिव तो नहीं है ना, मैं घर के लोगों से बात कर रहा हूँ। रुकिए आप, किसी से कोई दुश्मनी है आपकी? नहीं तो शक हो किसी पर? चलिए उन्हें तो हम खोज लेंगे। एनीवेज सॉरी फॉर योर डॉटर। ले ले अभी पी ले। कहाँ जा रहे हो? अरे गर्मी लग रही है। तुम्हारे बड़े चमड़े के दांत चल रहे हैं। अरे चिप्स का पैर दबा। सोफी गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? न्यूज़ किस पे आती है हमें क्या पता, देख ले। फिर से दिल्ली दिल्ली, नारी की चित्कार। माँ बेटी के साथ निर्मम बलात्कार करने के बाद बलात्कारियों ने एक छोटी सी बच्ची की दर्दनाक हत्या करी। फिल्म के चक्कर में न्यूज बन गई है। हमारे साथ स्कूल टीचर की न्यूज आ रही है। क्या हो गया? तो ये वो तो वही तो नहीं है कल रात वाली? मामा सब लोग लोंडिया जी सब कल काम किया था। अरे जिंदा, हम सबके नाम आ जाएंगे यार, हम सबके पुलिस आ जाएगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। मैं जेल नहीं जाना चाहता। इसका बाप तो बचा लेगा इसे, हमारा क्या होगा? अबे कौन गया था इसे फेंकने? हाँ तो क्या हो गया, मैं गया था। मैं भाई उल्टी कर रहा था, ये भैंक दौड़ा रहा था। नेचुरल है उल्टी आ जाती है पीने के बाद। तुम्हारी बहन की यार सॉरी
तुम्हें ना खाने की बड़ी लगी रहती है तुम्हारी बहन को। बोला था उसने साले अब साले जब जलती है तो सालों पर नालों फिर मोते को जिंदा है यार। अरे यार तू चुप हो जा, तू रो क्यों रहा है? तू इधर आ, तू इधर आ, तू इधर बैठ ध्यान से कांच पड़े इधर काम किया था पर उल्टी तो ये कर रहा था। ए भाई वो मरी नहीं अभी, जिंदा है। भाई तू रोना बंद करेगा, चुप रहेगा तू? अपनी पॉकेट में हजारा जा रहा है, चुप हो जा। हां लला प्लीज, पैर पे क्यों चढ़ रहा है? अंकल बचा लेंगे। अपूर, अपूर नाम है मेरा। अब तुम लोगों को कौन जानता है? सिर्फ मेरी शक्ल पता है। कल को कुछ होता है जो तुम की वजह से होगा तो देख लेंगे। नहीं मरी है भाई वो। चुप हो जाना, पुलिस में बयान दे देगी तो चुप हम सब हो जाए। एकदम चुप हो जा। तो चुप हो जा। बच्चा विद्या को वो एग्जिट लेने की क्या जरूरत थी? Why did she take that turn? God damn it! ये सब देखना नहीं पड़ता। Seriously? Rafi? तुम्हें पूछने के लिए कोई दूसरा सवाल नहीं मिला? उसे वो टर्न नहीं लेना चाहिए था। She shouldn't have taken that turn. So you're implying that it's her fault? I'm not implying anything. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर विद्या ने वो टर्न नहीं लिया होता तो आज टिया जिंदा होती, हमारे साथ होती। सीरियसली रवि, सीरियसली? योर वाइफ हैज बीन रेप्ड एंड यू थिंक इट्स यू आर द विक्टिम? थिंक अबाउट विद्या। डिड विद्या थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग दैट टर्न? डिड शी? एक्सक्यूज मी मिस्टर रवि। यस रवि चौहान, माय वाइफ। सर आपकी डॉटर का पोस्टमार्टम हो गया है। क्या टिया के साथ? यस, रेप था ये कंफर्म्ड है। इनफैक्ट गैंग रेप। आप बिलिंग डिपार्टमेंट जाकर बात कर सकते हैं, दे विल असिस्ट यू। बोल पाना इस वक्त कैन बी वेरी पेनफुल, सो प्लीज ट्राई टू बी क्विक एंड इजी। मिस्टर चौहान, इज शी बेटर नाउ? हेलो मैडम, मैं जयंत श्रॉफ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। आप बात कर पाएंगे थोड़ा? कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। आई नो आप तकलीफ में हैं, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। नोट कर रहे हैं? हाँ। मैडम परसों रात कितने बजे हुआ था ये हादसा? मैडम दस
10 10 सॉरी 10 आपके साथ और कौन था? आप सुन पा रही हैं? आपके साथ कौन था? टिया कैसे? टिया कहाँ? टिया तो नहीं रही मैडम, हादसे में डेथ हो गई उसकी, सो सॉरी फॉर दैट। टिया, 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 रवि, टिया और एक दो सवाल हो रहा बस, कितने लोग थे वो? सात लोग थे। आप उनमें से किसी को पहचानती हैं? पहले कहीं देखा है? बाद में बात करते हैं, इनको थोड़ा आराम करने दीजिए अभी। जी क्यों, किसका? आप जरा ये एक सेकंड। देखिए बाबा, आप बिना मेरा सर मत खाइए। अच्छा, सर ना खाओ? और वो जो कमिश्नर अब करोड़ों रुपया खाएगा, वो दे देना पार्टी फंड से। आपको कौन सा अपनी जेब से देने, सारे खेल पता है पापा आपके। चलो चलो घर चलो, डिस्चार्ज कार्ड मिल गया है, गाड़ी नीचे पार्क्ड है और ड्राइवर भी तैयार है, तो चले। वो रवि नहीं है अभी तक। हाँ, उसके पास टाइम कहाँ है? उसने जिस तरह से बात की ना मुझसे, टेलिंग यू वी, तेरी वजह से मैं चुप थी, वरना सच कह रही मैं आंखें नोच लेती उसकी। कम ऑन, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे सब कुछ उसी के साथ हुआ है। शादी करने के लिए यही मिला था ना तुझे? जिस तरह से टिया का अंतिम संस्कार कर दिया उसने, just felt like as if he just wanted to get it over and done with. I mean, how can, what kind of a man is he? Come on, V, come on. तू तो हमेशा मुझसे ज़्यादा strong और stable रही है। I mean, मेरे पास क्या था? कुछ नहीं, सिर्फ पापा के पैसे थे। अगर मैं तेरी जगह होती ना, I swear I would have killed them. I mean, what the hell is this? A fight for justice? Yeah, hello. I have to go. Yeah, okay, fine, I'm coming. कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन जरूर करना, हाँ? Okay? Come on, give me a hug.
मैंने सेक्रेटरी से बात तो की है, वैसे कल तक हो जाना चाहिए। हाँ देखते हैं आगे क्या कहते हैं।
बैठ, मैं अभी आई। इंस्पेक्टर श्रॉफ राउंड पे गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। थैंक यू। वी हैव टू वेट। अरे मैडम आप नहीं, बैठी 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 बैठी, प्लीज बैठिए। आपने क्यों तकलीफ की, आराम करना चाहिए था आपको। बैठिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड। आई विल जस्ट कम। ओके, बैठिए मैडम। आप यहां कैसे हैं? रवि ने बताया आपको मिलना था। हाँ, पर उनसे मिलना था, इनसे तो नहीं। मतलब आपको विद्या से डिटेल में बात नहीं करनी? नहीं, हमारी बात हो चुकी है। हमने तीन लोगों को पकड़ा भी है और उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। किसको? मैं तो सोच रही थी आप विद्या के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। आपने किसको पकड़ लिया? अखिल, वो तीन लड़कों का फोटो दिखाओ जरा। सर, ये लोग कौन है? इंस्पेक्टर श्रॉफ, ये लोग कौन है? अनएम्प्लॉयड यूथ है मैडम, चोरी चकारी करते थे। बेहतर होगा आप ये विद्या जी को यहाँ से ले जाएं, इनका इस हालत में यहाँ होना ठीक नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं अपनी मर्जी से नहीं लेकर आई हूँ उन्हें। मुझसे कहा गया था आप मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। और ये तीनों कौन है? और अगर आपकी याददाश्त ठीक है तो मैं आपको याद दिला दूँ कि विद्या ने सीएम के बेटे और उनके दोस्तों के बारे में कहा था। आप केस को रफा दफा करना चाहते हैं, राइट? क्या मिल रहा है आपको बदले में? पैसे, प्रमोशन, या फिर अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जानते हैं यहां क्या हुआ है? इंस्पेक्टर श्रॉफ, एक मां और उसकी बेटी का गैंग रेप हुआ है यहां पे, और मां की आंखों के सामने बच्ची का मर्डर कर दिया जाता है। जानते भी हैं उस मां के दिल पर क्या गुजर रही है? डू यू इवन अंडरस्टैंड? And what the hell are you guys doing here? FIR register किया आपने? Please show me the copy of the FIR. एक सेकंड रुकिए जरा। एक तो आप हमें अंग्रेजी में धमकाने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको धमकाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। I want to see the copy of the FIR. हाँ, मिल जाएगा आपको कॉपी। कॉपी लाओ अखिल। Okay sir. कमाल है। हम किसी को पकड़े तो भी गलत, नहीं पकड़े तो भी गलत। मैं यहाँ किसी को सही और गलत साबित करने नहीं आई हूँ। I just want to know one thing, Inspector Shroff. विद्या और टिया को इंसाफ मिलेगा कि नहीं? क्या मिलेगा जी? इंसाफ? मैडम ये जो शब्द है ना, ये फिल्मों में अच्छे लगते हैं। कोई फिल्टर कॉफी थोड़ी ना आपने ऑर्डर किया, आपकी टेबल पर हाजिर हो गई। मैडम इंडियन कोर्ट्स में इस वक्त 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं, और आपको इंसाफ चाहिए इंस्टेंट? कमाल है। वैसे क्या करेंगे आप? कैंडल मार्च निकालेंगे, फेसबुक पे पोस्ट करेंगी, उससे इंसाफ मिलेगा आपको? इंसाफ चाहिए आपको मैडम, और हमारे पास है क्या? आप सोचिए ना, गवाह और सबूत के नाम पर क्या है हमारे पास? धेला भी नहीं है। विद्या गवाह है मैडम, वो विक्टिम है, उसकी गवाही काफी नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जिन लोगों का नाम ले रही है वो रातों रात गवाह बना सकते हैं, मिटा सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, राइट, आई गेट योर पॉइंट। आप मैडम एक बार मेरी बात सुनिए, मैं नहीं चाहता उनके साथ एक बार जो हुआ है वो दोबारा हो। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा सिर्फ विद्या जैसे लोगों को, जो पहले उन कमीनों से अपनी इज्जत उधड़वाती हैं और उसके बाद जो बची खुची है वो मीडिया से और कोर्ट में वकीलों से। मैडम उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये साबित करना कि विद्या अपनी मर्जी से अपनी बेटी को लेके फॉर्म हाउस पे गई थी। आई होप यू आर गेटिंग मी। या, लाउड एंड क्लियर। ये आपकी FIR कॉपी। थैंक यू वेरी मच। अरे एक्सक्यूज मी, ये महिला जो यहाँ बैठी थी कहाँ गई?
विद्या, वी नीड टू टॉक. मुझे नहीं लगता कि अब हम एक साथ रह पाएंगे. तुम्हें जब भी देखता हूं ना, तो मुझे वो रात याद आती है, वो टर्न याद आता है जो तुम्हें नहीं लेना चाहिए था. और टिया का बेजान चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है. और वैसे भी हमारी ये शादी सिर्फ टिया की वजह से टिकी हुई थी. अब ना तो ना ही टिया है और ना ही मुझ में इतना पेशेंस. हमारा ऐसे साथ रहना, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. कैन यू पास मी द केचप प्लीज? Thank you.
रविंदर बेनीवाल, उम्र तकरीबन 29 साल, एड्रेस चंडीगढ़ है, और ये बाइक का रजिस्ट्रेशन किसी अपूर्व मलिक के नाम पे है। गली का नंबर है सर? अपूर्व मलिक। चक्का कैसे बाहर आया? सुबह सुबह क्यों उठना पड़ता है यार? और तुझे देख, ऑलवेज फ्रेश इन द मॉर्निंग। आजकल बड़ी टेक सेवी हो गई है, ये लैपटॉप पे क्या करती रहती है? वो एग्जाम के पेपर्स सेट करने हैं। रियली? ऐसा घर बनवा ले भैया। क्यों फिर कहाँ सर, आप भी इतना आसान समझे पीएम का बेटा। अबे लाला, अबे कहाँ छोड़ दिया इन्हें? अजब कहाँ रास्ता भूल गए हैं? अरे यार, पापा का डिपार्टमेंट है चंदा वंदा देने का, यार यहाँ कहाँ आ गए तुम? ये बाइक आपकी? अबे बाइक, प्लेन, सब कुछ है हमारे पास। इसका रजिस्ट्रेशन आपके नाम है? तो होगा, प्रॉब्लम क्या है? सिकंदर बेनीवाल को जानते हैं आप? लौंडा है हमारा, बाइक लेके घूमता रहता है। अबे क्या मार वार दी क्या उसने किसी में? मर गया कल रात। राजा राम मोहन रॉय, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ दिस कंट्री ड्यूरिंग द 1800s, इंक्लूडिंग अलॉन्ग विद स्वामी दयानंद, ईश्वरचंद, विद्यासागर। बट राजा राम मोहन रॉय, ही एडवोकेटेड फॉर द लिबर्टी एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन। ही सिंगल हैंडेडली हेल्प्ड अबॉलिश द सती। सती वॉज अ प्रैक्टिस दैट वॉज फॉलोड ब्लाइंडली बाय पीपल ऑफ आर कंट्री। द different groups, as in we had a caste system, and I think that's all for today. See you all next class, children. Meena? Yes, ma'am. कैसी हो बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं देख रही थी तुम थोड़ा गुमसुम थी क्लास में। नहीं मैम, ऐसे कोई बात नहीं है। सब ठीक है ना? जी मैम। दरअसल मुझे तुमसे एक काम था। मैम हम ये कर सकते हैं कि एवरी डे या फिर एवरी थर्ड डे हम टिया के अकाउंट से कुछ पिक्चर्स अपलोड करें। वी कैन ऑल्सो टैग पीपल इन इट, जिससे लाइक ज़्यादा आएंगे और लोग इसे रिपोस्ट कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये पिक्चर है और मैं इस पिक्चर में अपने सारे फ्रेंड्स को टैग कर रही हूँ। अब अभी मत पोस्ट करना, वैसे तुम्हारे और टिया के काफ़ी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ना फेसबुक पर? मैम आई एम गेटिंग लेट। क्यों, क्या हुआ मीनल? कुछ नहीं मैम। मीनल क्या बात है? देखो तुम मुझे बता सकती हो, यू कैन टेल मी, मुझ पे भरोसा करो। मीनल, मीनल इट्स ओके। क्या हुआ बेटा, क्या बात है मीनल? इंद्र जांगरा हमारा पड़ोसी है। 2 घंटे हो गए नर्स ने दिया अभी तक। मेरे डैड का काम सही नहीं होने के कारण पापा मम्मी में रोज रोज लड़ाई होती थी। उन्होंने बहुत शराब पीना स्टार्ट कर दिया था। मैं हमेशा अपने कमरे में दरवाजे को लॉक करके बैठ जाती। एक दिन इंदर ने घर से दोनों के झगड़े की आवाज सुनकर बेल बजाई। पापा ने बहुत टालना चाहा पर वो घर में घुस गया। कुछ ही दिनों में इसका रोज हमारे घर आना जाना होने लगा। स्कूल में होती
चलो ना। अच्छा चाय लीजिएगा। पापा को घर पर रोज शराब पिलाकर इंद्र मामा के साथ एक दिन जब मैं स्कूल से जल्दी घर पहुंची, उसने मुझे उसके बाद वो मुझे होटल्स में भी ले जाने लगा। पिछले 6 महीने से हर हफ्ते वो मेरे साथ मनमानी करता है। हमारे एनुअल डे की रात को उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन मैंने बहाना बना दिया कि मैं आपके साथ और टिया के साथ घर जा रही हूँ, और मैंने आप लोगों की खबर सुनी। इसका मतलब तुझे पता था? मैम वो लोग बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं। वो लोग गन्स लेके घूमते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई ना तो वो लोग मुझे। नीलल कुछ नहीं होगा, तू घबराना नहीं, ठीक है? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस यू। सर जैसा कि आपने कहा था, इस वक्त उस इलाके में जितने भी मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे, किसी भी कॉल रिकॉर्ड में किसी तरह की गड़बड़ नज़र नहीं आई सर। देख सीधे सीधे देखने से तो ये बाइक एक्सीडेंट लग रहा है, लेकिन चक्के का ऐसे निकलना जो इस तरह के बाइक एक्सीडेंट में पॉसिबल ही नहीं है। सर लग तो एक्सीडेंट ही रहा है। सर लग तो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इसकी मौत से फ़ायदा किसको हुआ? मैम मैम आज उसने शाम को मुझे फिर से बुलाया। घबराओ मत, अबे कहाँ है तू साले? भाई रास्ते में हूँ, जाम लग रहा है बहुत आने वाला। अबे नहीं यार, मेरे को एक्चुअली रेस्टोरेंट से कॉल आ गया, तो मैं आज रुक नहीं पाऊंगा। चल भाई तेरी मर्जी है। वैसे तुझे रूम नंबर बताइए, हल्का होना तो आ जाइयो। चल ठीक है। गुड इवनिंग मैम। Thank you.
लो मैं आ गया। Hello. So nice to meet you. Same here. Did, are you liking it? This is one of my favorite paintings. कैसे? इंदर ने मुझे मिलने को बुलाया था। पासवर्ड है कोई इसका? क्या कर रही हो यहाँ? एक्चुअली सर। सर मुझे तो पक्का लग रहा है ड्रग ओवरडोज हुआ है। ड्रग ओवरडोज लग रहा है लेकिन है नहीं है। सर लड़की माइनर है। उसके स्कूल जाके और पता करने का ट्राई करना चाहिए। जीटी मेमोरियल स्कूल। फोरेंसिक वालों को फोन किया ना? किया सर। तू एक काम कर, अपूर्व को फोन करके पूछ के किसी इंदर नाम के आदमी को जानता था, पता कर। चौहान, हेलो, ये नंबर आपका? जी, ये नंबर मेरा है। आप यहाँ? क्यों, यहाँ आना मना है? नहीं नहीं, आप इस लड़की को कैसे जानती? मेरी स्टूडेंट है, लेकिन ये फोन आपके पास कैसे? मीनल कहाँ है? आखिरी बार कब बात हुई आपसे? बस थोड़ी देर पहले। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये मिसेस चौहान, चल क्या रहा है? आप पूछना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं। वी, कब से फोन लगा रहे हो? उठाया क्यों नहीं? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? एफआईआर की कॉपी देने आए क्या? नहीं, शायद आज ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेट्स गो। सर, अपूर्व से मेरी बात हुई। क्या साढ़े सात ही चल रही है बता? दो दो लौंडे छू गए यार मामा। अबे भाई, कहीं वो ही तो नहीं? वो कौन? वो अबे वो टीचर। कौन सी टीचर? अरे मामा, वो उस रात वो टीचर और वो बच्ची। उसका क्या? भाई वो थी उस दिन वहाँ पे होटल के बाहर, देखा था मैंने उसे। मुझे लग रहा है ये सब वही करवा रही है भाई। औरत ये सब कुछ कर सकती है? मुझे नहीं लगता। और तो कुछ भी सकता है। याद है मैंने कही थी यहाँ से ठिकाने लगा के आना? हर चीज मजाक में लेते हो आप लोग। पर अपूर्व, अगर वही हो तो क्या करोगे?
अब तो पुलिस में भी नहीं बोल सकते। मुझे नहीं लगता है वो होगी यार, पहली बात कहाँ उसमें इतनी दम होगी। मामा बता इसकी कुंडली निकलवाओ, क्या उसका चक्कर है देखो। आप बोल क्या रहे हैं? और मेरा मेरी बीवी से कोई लेना देना नहीं है। अगर तूने साले उसको काबू में नहीं रखा ना तो पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। मेरा यकीन कीजिए, मैं उसे छोड़ चुका हूं। समझ गया ना? याद रखना, अगली बार छोड़ेंगे नहीं तेरे को। विद्या तुम जो कुछ भी कर रही हो जस्ट स्टॉप इट, ओके? जस्ट स्टॉप इट, प्लीज सुधर जाओ। अभी अभी दो लोग मेरे ऑफिस पे आके मुझे मार के धमका के गए, पहले मेरी बेटी को खा गई और अब मेरे पीछे पड़ी हो। जस्ट गेट लॉस्ट, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आई एम डन विद यू, सुना तुमने? प्रमोटर्स को बहुत बड़ा फायदा हुआ मेरे एग्जीबिशन से। एक और एग्जीबिशन करना चाहते हैं मेरे साथ बंबई में। मुंबई जाएंगे मेरी जान। सो प्राउड ऑफ यू। बस प्राउड ऑफ मी, सेलिब्रेट करना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा यार। मन नहीं है? कम ऑन यार, खा पी के लौट आएंगे। आई नो अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट। गुड इवनिंग मैम। हाय। गुड इवनिंग। Table for two? Yes, ma'am. This one. नीचे? Come. अरे तुम सबको अभी फोन करना होता है। उस टीचर को ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्या मतलब? अबे वो यहीं बैठी है मेरे रेस्टोरेंट में। अरे वाह मेरी जान, शाबाश, तू ही तो भाई है। क्या बोलता है, मार दूं? सुन, सबसे पहले तो ना तेरे सीसीटीवी कैमरा जितने भी हैं बंद कर, और ऐसा कर तू उसको पकड़ के ना, मैं कामरान को भेजता हूँ फटाफट। हेलो, आप राजवी, आई एम लीविंग, ओके? अबे चल ना, फोन निकाल अपना, फोन निकाल, निकाल फोन, निकाल। हेलो वी, रितु, मैं तुझे घर पे मिलूंगी।
तू चुप, हट जा, बाहर निकल। सेफ, मैं इतनी डर गई थी, पता है क्या हुआ वहां? आई हर्ड को मर्डर हुआ। क्या हुआ विद्या? ऋतु दरअसल I think I need to tell you the truth. Forward कर, थोड़ा पीछे जा, और बस zoom कर। विद्या चौहान, मैं यहाँ क्या कर रही सर? Hide and seek. Sorry? Hide and seek. सर, यहां से थोड़ी दूर पर दो डेड बॉडीज मिली हैं। कौन है बे? हाँ, इंस्पेक्टर श्रॉफ बोल रहा हूँ। हाँ, जरा पूछना था कुछ आपसे। क्या हो गया? आप सिकंदर बेनीवाल, इंद्र जांगरा की तरह किसी हर्षित पुजारी और कामरान कुरेशी को भी जानते हैं क्या? क्यों, क्या हो? हाँ, मर्डर हो गया उनका। हेलो 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 हेलो, ये कुछ नहीं करता, मैं फोन कर। औरत, वो इंस्पेक्टर 10 सवाल पूछ रहा है, उसे भी कुछ नहीं बोल सकते। अरे तुमसे कही थी 10 बार, देख लो मर गए नहीं मर गए हैं? कम से कम हमारे तो नहीं मरते अब। मजे सबको लेने, काम करना किसी को नहीं आता। जो हो गया उसके बारे में सोचे, या स्कूल टीचर को कैसे रोके उसके बारे में सोचे। क्या नंबर था घर का? F1 था सर, यही है, यहाँ से। ये वाला? Yes. Excuse me. Hello. Excuse me. आज शाम आप कहाँ थी? What do you mean by that? आज शाम आप कहाँ थी? अजीब बात है, पैटर्न बनता जा रहा है। जहाँ भी आप जाती हैं लोग मरे हुए पाए जाते हैं। कोई ऊंची पहुंच का मर गया क्या? देखिए, मैं आपके ताने सुनने नहीं आया हूँ यहाँ पे। किसी की जान गई है। जान तो उस रात को भी गई थी। देखिए मिसेस जॉन, मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन ये जिस रास्ते पर आप चल रही हैं सही नहीं है। देखिए,
अगर आपको ताने सुनने की आदत नहीं है तो हमें भी यहाँ खड़े खड़े किसी के लेक्चर सुनने की आदत नहीं है. प्लीज यू मे लीव नाउ. और दूंगा, काम ध्यान से करिए बस, ठीक है? तू एक काम कर, तू वो कर, मैं यहाँ वेट करता हूँ, ठीक है? कितनी देर लगेगी? मामा क्लाइंट ने तो बोल नहीं सकता, पर ज़्यादा देर लगनी नहीं चाहिए. मैं अभी आ जाऊँगा. वहाँ खड़े ही बात कर लो, गाड़ी यहाँ पार्किंग नहीं है. ठीक है, ओके. पार्किंग अलाउड नहीं है यहाँ पर. ठीक है, तू फटाफट आ, मैं वेट कर रहा हूँ. भाई अप्पू के घर जाना है यार इसके बाद. बहुत दिनों से ना बहुत बुरी खबरें मिल रही है यार. जल्दी आ, कुछ डिफरेंट कर. भाई गाड़ी यहाँ पर सुन. मैंने भी गलत टाइम पर मीटिंग ली ना. कोई बात नहीं यार, मैं वेट करता हूँ. जल्दी ठीक है मामा, तुम ख्याल रखो. जल्दी यार, जल्दी. अरे तेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है भाई? मिस रोशनी आहूजा. आई मीन आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? मेरी मिस रोशनी आहूजा से मीटिंग है, टाइम फिक्स हुआ था. आप जाइए यहाँ से. तुम मुझे यहाँ पे मारने का तो नहीं सोच रही हैं? देखो बच्चों की नहीं. दाढ़ी आगे लो भाई, बात करना सभी. ये बात करना. हेलो गाड़ी आ लो ना. अरे सुनते तुम मेरा सुन नहीं होता. अरे हटा रहा हूँ यार. सुनते नहीं तुम मेरा. तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के रेप में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. हाँ मैं उस रात को वहाँ पे मौजूद था, पर मैंने कुछ नहीं किया. मैंने कुछ पूछा तुमसे? ऐसा करते हैं, अभी देर नहीं हुई. लेट्स सॉल्व दिस. उन कमीनों ने तुम्हारी बेटी को. वी शुड डिस्कस. लेट्स डिस्कस दिस. हाँ टिया को वापस ला सकते हो? मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया. मैं उन कमीनों जैसा नहीं हूं. प्लीज मुझे जाने दो. अब जो बोलोगी मैं करूंगा. तुम कुछ नहीं कर सकते. मैं कर सकता हूं. मैं अप्पू का पता बता देता हूं. उसे जैसे मारना है मार देना, चाहे तो तुम्हारी मदद करूंगा. फोन लगा उसे, कहो कि तुम उसके खिलाफ पुलिस में बयान दे रहे हो. वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा. फोन करता हूँ. फोन कर गया.
क्या हुआ? बस यार अब और सहन नहीं हो रहा है, मुझे मरना नहीं है। क्या हो गया? मुझे मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है यार, मैंने फैसला कर लिया। क्या फैसला किया है? मैं पुलिस के पास जाके सारा बयान दे दूंगा। मैं उस रात बोल दूंगा सब तुम लोगों की वजह से मैं भी फंस गया हूं यार। शाबाश, औकात दिखा रहा है तू अपनी। क्या करेगा, पुलिस के पास जाएगा तू? अबे जब इतने दिन में मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया तो तुझे क्या गट्टा बचाएंगे? कपूर मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं तू जा, तू पुलिस के पास ही जा। नहीं बेटा तू जा, तू भी जा। बस कर दिया। पागल हूं मैं क्या? हूं मेरी, अरे पागल की ऐसी की देती, तेरा नाम क्या? क्या बात है, गाड़ी लाउड है। अरे तेरा नाम क्या है? गाड़ी आगे लो। अरे तेरा नाम क्या है? मेरा कुछ सही बेटा तू जा, तू पुलिस के पास ही जा। हाँ, पार्टी की पूरी तैयारी हो गई सर। होली पे बहुत बड़ी पार्टी होगी सर। हाँ सर, वर्कर्स की मीटिंग ले रहे सर। हाँ हाँ अभी एक सेकंड सर, होम मिनिस्टर साहब का फोन। सर मैं कॉल बैक कर रहा था। हाँ, हाँ तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारे दोस्तों को और सतेंद्र को उसी औरत ने मारा है? पापा कच्चा पक्का मत करो, ठीक है? एक बात बता रहे हैं हम, नहीं है कोई, बता दिया ना आपको एक बार यार। हद हो गई यार, देख औरत इतना सब कुछ कैसे कर सकती है, आखिर है तो एक औरत ही ना। खैर देखेंगे उसे होली के बाद। तुम्हें मालूम है हमारी पार्टी ने होली पर एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। वाह पापा वाह, यहाँ मामा कम हो गए और आपको कार्यक्रमों की पड़ी है, शाबाश। जनता का समर्थन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है तुमको मालूम है? पटेल, हाँ सर, कमिश्नर को बोल कर उस लौंडिया को, मेरा मतलब है उस औरत को, कब्जे में करवा। है सर। हाँ सर, हाँ ठीक है सर, समझ रहा हूँ। नहीं है सर।
पाटिल पाटिल हाँ सर ये क्या सिक्योरिटी है तुम्हारी मैं दिखता हूँ अपोजिशन के लोग मेरे घर में घुसकर मेरे मुंह पे तमाचे मारते हैं और मैं खड़ा खड़ा देखता रहता हूँ गेट आउट गेट आउट टीवी चला सीएम की होली पार्टी में बड़ा सीएम को करारा थप्पड़ आई वांट दिस बास्टर्ड ये अपोजिशन की साजिश है निकल निकल बाहर होली पार्टी का माहौल अब शोक में बदल गया है पापा क्या है पापा ये है पाटिल वाटिल को इतना चुप यार पापा मेरे ऊपर यू जस्ट शट अप रेरी मारते रहे ये मीडिया वाली टीम कर रही है अभी बंद चाहिए मुझे ये न्यूज बंद करा उस न्यूज को अभी के अभी ये मीडिया क्या कर रहा है हमारा एक चीफ मिनिस्टर के घर में घुसकर उस पर बंदूक तानने की गलती तो मेरे बाप को Finally, it is over.